गुज़श्ता 3 साल में महंगाई की शरह सबसे कम हो गई। जुलाई में महंगाई की शरह सिर्फ 11% रही। पीटीआई हमसे मुवाजना ना करे, आपका हमसे मुवाजना बनता नहीं है। नेशनल पार्लियामेंटेरियन टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि पंजाब में सारी रिफॉर्म्स और असलाहत का मकसद गरीब के मेयार जिंदगी को बुलंद करना है। वजीर आजम और वजीर आला का मकसद महंगाई में कमी और आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना तरजीह है। रऊफ हसन की जमानत बादल गिरफ्तारी दायर। अदालत ने दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सपरा ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पेश किया गया तो फैसला कर लूंगा। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। रऊफ हसन को एक रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाज 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर लिया गया। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह ना हो सकी। बानी पीटीआई के वकला ने बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत, इस्लाम आबाद में बिजली सार्फीन के लिए रियायत। जुलाई 2024 के बिजली बिल की अदायगी की मुकर्रर तारीख पर 10 दिन की तौसी। सार्फीन इजाफी सरचार्ज के बगैर तौसी करदा तारीख तक बिल जमा करवा सकते हैं। जिन सार्फीन ने इजाफी सरचार्ज अदा किया है उनके अगस्त के बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। आए इसको दफातर बैंकों पोस्ट ऑफिस को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई। और हैदराबाद शहर और गिरदनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बारिश की पहली बूंद के साथ ही बिजली गायब। ठंडो अलायार में गरज चमक के साथ बारिश, आसमान से बादलों से ढक गया। बारिश के बाईस बिजली के फीडर स्ट्रिप, शहर में बिजली फराहमी मुअत्तल। खैरपुर और सखर में मूसलाधार बारिश से करोड़ों रुपए की खजूर बर्बाद हो गई। खजूर के चौहारा बनाने का अमल भी रुक गया। पहले से तैयार हजारों मन चौहारा बारिश से खराब हो गया। करोड़ों के माली नुकसान पर रोहड़ी, सखर, करमबाग, टेरी और परियालों में खजूर बाग मालकान रो पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।